आज हम बनाएंगे काबुली चना के छोले। हमने चना को रात को ही भिगा दिए थे, फिर सुबह उसको एक पोटैटो के साथ में उसको 5 पीसेस दे दिए ताकि वो थोड़ा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ऑनियन, जीरा 2-4 पीस, काली हाँ, मिर्च, इलायची, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, दालचीनी, टमाटो, ग्रेवी। और ये ये है। इसमें 2 बड़े प्याज, 10 से 12 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक, 4 मिर्ची, इसकी पेस्ट बना लिया है हमने ताकि अच्छा बने। पहले जीरा डालें, लौंग, इलायची, तेज पत्ता, ऑनियन डाल दिए। अब ऑनियन को सुनहरा ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करें। गोल्डन गोल्डन ब्राउन हो रहा है अभी। कांदा सुनहरा मरून हो चुका है ब्राउन। अब इसमें हम लहसुन और कांदा का पेस्ट जो है वो डालेंगे। इसे तब तक भूनना है जब तक ये तेल ना छोड़ दे, ऊपर तेल दिखाई देने लगता है। देखो ये तेल छोड़ दिया है, साइड साइड में तेल, देखो साइड साइड में तेल छोड़ गया, मतलब मसाला अच्छे से भुंचा गया है। अब हल्दी 1 स्पून, रेड चिली 1 स्पून, और छोले मसाले 1 स्पून, हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें हम टमाटर की प्यूरी डालेंगे। 2 बड़े टमाटर की प्यूरी होगी। अब इसको अच्छे से पकने तक भूनेंगे। इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे ताकि मसाले और अच्छे से पक जाए सब साथ में। मसाले अब अच्छे से पक चुके, देखिए इसमें कैसा कलर आ गया है। अब इसमें हम अपने छोले डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा मसालों के साथ में इसको ऐसे पकाएंगे और ये पोटैटो मैश कर देंगे। गैस हमेशा हाई फ्लेवर पे रखना है। कहीं खड़े पोटैटो रह गए होंगे तो उसको भी मैश करना है ऐसे। मसालों की अच्छी खुशबू आ रही है। थोड़ा टाइम उसको ऐसे ही पकाएंगे, फिर इसमें पानी डालेंगे। वो चना बॉईल वाला पानी है, इसे फेंके ना, यही पानी डाले। अब इसमें पानी डालते हैं, वही बॉईल वाला पानी चने का। अपने हिसाब से आपको कितनी थी, आपको कितना इसका ग्रेवी ठीक चाहिए उस हिसाब से आप पानी डालें।
कर सके। अब छोले को बॉईल होने तक हम छोल देंगे। हमने छोले में पहले से बॉईल करते टाइम नमक डाला था ना, तो इसलिए थोड़ा सा नमक अभी डालेंगे। आप एज पर योर टेस्ट जैसा आपको चाहिए सॉल्ट यूज कर सकते हैं स्वाद अनुसार। बॉईल होने तक का वेट किया जाए, बॉईल हो जाए। बॉईल, अब हमारी छोले तैयार हो गए। अब हमारा छोला रेडी टू सर्व है, अच्छे से पक चुका है। देखिए इसमें कल ऑयल ऊपर आ चुका है। हमने अब इसमें धनिया डाल देंगे, धनिया पत्ती। धनिया पत्ती डालने के बाद एक मिनट ऑयल अच्छे से बॉईल होने दे, ताकि धनिया का स्वाद उस छोले के ग्रेवी में अच्छे से हो जाए। थोड़ा सा और बॉईल हो जाए, सर्व किया जा जाए छोले। अब छोले, अब भाभी टेस्ट करने जा रही है छोला कैसा बना है।